नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से, और यहाँ देख सकते हैं कि अशरफ उद्दीन जी ने कमेंट किया है कि सर पेज मेकर में डैश डॉट लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले अशरफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आपका प्रॉब्लम है कि आप पेज मेकर में डैश डॉट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पेज मेकर में डैश डॉट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पेज मेकर 7.0 मेरा खुला हुआ है। देखिए, ये देखिए, पहले से मैंने पेज ले रखा है। अब अगर आपको डैश डॉट लाइन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना होगा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए टूल बॉक्स में जाइए। अब जैसा आपको लाइन चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ये वाला चूज़ कीजिए, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपको इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जैसा भी आपको ड्रॉ करना है लाइन। देखिए, जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें डैश, इसको डैश डॉट लाइन देना है आपको। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर जो मेन्यू बार है यहाँ पर एलिमेंट में जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रोक है, स्ट्रोक के सब मेन्यू में जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन चार ऑप्शंस आपको देख सकते हैं, डैश, ये देखिए डैश डॉट देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। ये देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन हो चुका है, देख लीजिए। फिर से दोबारा अगर दूसरे टाइप का चाहिए आपको तो एलिमेंट में अगेन जाइए, स्ट्रोक में जाइए। दूसरे टाइप का डैश चाहिए तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए ये वाला डैश देख सकते हैं, इस तरह आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर तिरछा आपको लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना है तो ये वाला लाइन लीजिए। जैसे अगर मुझे इस तरह लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ किया है एंगल नुमा, अगर इसमें भी अगर डैश आपको बैठाना है, इस लाइन को चेंज करना है, तो एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, देखिए जैसा आपको डैश वर्क चाहिए यहाँ से आप डैश चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं एक साथ दो तीन लाइन इस तरह, अगर माउंटेन नुमा अगर लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सिंपल है। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टूल है पॉलीगन टूल, इस पर अगर क्लिक करते हैं, करने के बाद आपको पॉलीगन शेप नहीं ड्रॉ करना है। सिंपली आप फर्स्ट क्लिक कीजिएगा माउस का लेफ्ट क्लिक, उसके बाद इस तरह क्लिक करके आप इस तरह माउंटेन, इस तरह लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आपको करना है। करने के बाद डबल क्लिक करना है, माउस का दो बार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं दो बार लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरह लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें मुझे डैश देना है, डैश इस सिंपल लाइन को मुझे डैश में इसको चेंज करना है। तो एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको डैश चाहिए, डॉट डैश जैसा चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लाइन देख सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। ये पसंद अगर नहीं आता है, एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, और नॉर्मली यहाँ से जैसा आपको डैश चाहिए, ये देखिए इस तरह आप बना सकते हैं। इसको आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए जो कलर का पैलेट दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए तीन ऑप्शन है, पहला वाला चूज़ कीजिए, उसके बाद जो कलर लेना है माउस का लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, देखिए कलर हो गया। अगर मान लेते हैं ये वाला जो लाइन ड्रॉ डैश वाला जो लाइन है, ये वाला, इसको क्लिक कीजिए। अगर इसको भी कलर करना है तो कलर पैलेट में जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप डैश डॉट जो लाइन है वो आप बना सकते हैं, सिंपल है। एक बार और फिर मैं दिखा देता हूँ। सिंपली आप टूल बॉक्स में जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए लाइन के लिए। अब नॉर्मली आपको लाइन सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करना है, या देखिए इस तरह आप ड्रॉ कर दीजिए लाइन। अब इसमें आपको डैश डैश देना है, डॉट डॉट देना है, जो आपको देना है यहाँ से लाइन सिलेक्टेड रखिएगा। उसके बाद एलिमेंट में जाइएगा, स्ट्रोक में जाइएगा, यहाँ से आप थोड़ा नीचे आइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा आपको चाहिए डॉट वाला आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, डैश डॉट लाइन इस तरह आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अशरफ जी, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।